अबे भुतनिया के बाबर व इंडिया में बैठकर तू शराब पी रहा है। अबे भुतनी के नशेड़ी कैसे हो रहा है तू? मैच हार रहा है तो इसमें तुम्हारा और तुम्हारी टीम का दोष है। यहाँ पर शराब पीना मना है। अरे नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अरे कोहली भैया, अरे नशा शराब में नहीं है, नशा तो हम में चढ़ा है और इन शटरी वालों ने हमें इतना मारा है कि शराब तो पीनी ही पड़ेगी। अरे यार हमको जरा दे दो इजाज़त, थोड़ी सी शराब तुमको भी पिला देंगे। अच्छा तो बेटे, मतलब कि इतनी मार पड़ी है उसके बाद भी तुम शराब पी रहे हो और कोहली भाई से इजाज़त मांग रहे हो? भुतनी वाले, देखा नहीं आज मैं कितना खतरनाक खेला हूँ और तुम्हारे गेंदबाजों को हल्के हाथों से पेला हूँ। अरे सही कह रहे हो मार्करम भाई साहब, मतलब कि तुम तो यार छक्के पे छक्के लगा रहे थे, इस कारण हमने भी दो तीन छक्के तो इनके रचका ही दिए। और कोहली भाई कैसी लगी हमारी खतरनाक पारी आपको? अरे मिलर, तुम्हारी पारी में थे छक्के लेकिन मार्करम की पारी ने किए पाकिस्तान के गेंदबाज हक्के बक्के। मतलब कि इतना खतरनाक यार तुम क्या खाते हो आजकल? और पाकिस्तान वाले तो ये बहाना मार रहे हैं कि उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अबे क्यों पे रिजवान, मिल रहा है या नहीं? अरे यार कोहली भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अब हमारे हाथों में वो जान ही नहीं बची है कि हम गेंद को छक्के तक पहुंचा दे, फिर भी हमने आज हिम्मत करके एक दो छक्के तो लगा ही दिए थे। पर इन भुतनी वालों को पता नहीं क्या चढ़ा है बुखार सा कि मतलब छक्के के बिना तो ये कोई खेलते ही नहीं है। और इस भुतनी वाले मार्करम ने तो हमारा पिछवाड़ा सुधार दिया है। अबे तो काश होते थे कि इंडिया में जाएंगे, वर्ल्ड कप उठाएंगे और अपने घर ले आएंगे। मतलब कि हलवा समझा था कि बनाकर खा आएंगे। कती लुल्ली टीम है तुम्हारी, पहले ही बता दे रहे हैं। और ये तुम हमसे भी हार गए हो, इनसे भी हारोगे और आगे वाली टीमों से भी हार कर जाओगे।